हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, इसे हम दूधी भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर ली एक लौकी। ग्राम्स में देखें तो लगभग 700 ग्राम लौकी है। लौकी आप एक चेक करके लें, थोड़ी सी नरम लौकी होना चाहिए जिसमें कोई बीज ना निकले। सबसे पहले हम लौकी को छील लेते हैं। लौकी को मैंने छीलने के बाद धो लिया है। धोने से जो लौकी है वो काली नहीं पड़ती है। इसे बीच में से काट लेते हैं। हम देख लेते हैं लौकी एकदम हमारी एकदम नरम है, इसमें कोई बीज नहीं है। यदि बीज हो इसमें तो आप इसका जो बीज का भाग है वो निकाल लें। अब हम लौकी को किसने से कीस लेते हैं। लौकी को हमने पूरा कीस लिया है। आप चाहे तो इसे इस तरीके से दबाकर इसका जो रस है उसे आप अलग कर सकते हैं। मैं ऐसा इसमें नहीं कर रही हूँ। मैंने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। मैंने लिए यहाँ पर 8-10 काजू। काजू को मैंने बीच में से दो टुकड़े कर दिए हैं और 8-10 बादाम, इसे भी दो टुकड़ों में काट लिया है। पहले इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पर हल्का सा कलर चेंज होने तक हम काजू बादाम को फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा गुलाबी कलर आ गया हमारे काजू और बादाम पर, निकाल लेते हैं घी से हम। इसी में मैंने थोड़ी सी ली है किशमिश, लगभग 25 से 30 किशमिश, इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। निकाल लेते हैं हम किशमिश को भी। इसे घी में हम डाल देंगे हमारी किसी भी लौकी। लौकी को हम घी में अच्छा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। लौकी को हम ढककर पकाएंगे, जल्दी पक जाएगी, लेकिन आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। देखिए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं मुझे लौकी को पकाते हुए। लौकी हमारी एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। दूध मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 लीटर। अब हम दूध को अच्छा गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। लौकी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। अधिकतर बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से हम लौकी का हलवा या लौकी की मिठाई बनाकर भी बच्चों को खिला सकते हैं। मैंने लौकी की मिठाई का भी वीडियो शेयर किया है, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देखिए हमारा जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम हलवे को और भी क्रीमी टेस्ट देने के लिए इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी मलाई। हम इसमें मावे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डाली है मलाई। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर थोड़े से मावे का यूज़ भी कर सकते हैं मलाई की जगह पर। अब हम हलवे को थोड़ा और अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। देख रहे हैं हमारा जो हलवा है अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर। अब हम शक्कर को भी अच्छे से घुलने तक इसे पका लेंगे। मैंने यहाँ पर 120 ग्राम आधा कप शक्कर यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसमें ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं हलवे में कोई कलर नहीं डाल रही हूँ, मैं इसका ओरिजिनल कलर रहने दूँगी। देख रहे हैं हमारे हलवे में शक्कर है वो अच्छे से घुल चुकी है और हलवे की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से हमारा हलवा अच्छा गाढ़ा हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो डाल देते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट हम ऊपर से डालेंगे। सभी को हम मिक्स करके अच्छे से अब गैस को बंद कर देते हैं। देखिए हमारा टेस्टी लौकी का हलवा बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।